फैक्ट नंबर एक। गाइस, क्या आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस जी के पिताजी की दिल से ये इच्छा थी कि उनका बेटा ब्रिटिश सरकार की सबसे बड़ी नौकरी करे, यानी कि ICS की नौकरी करे, और इसीलिए उन्होंने इस एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए सुभाष जी को लंदन भी भेजा था, जहां नेताजी ने केवल 7 महीने की कड़ी मेहनत में सभी अंग्रेजों को पछाड़ते हुए ICS के एग्जाम में 4th रैंक हासिल की थी। ये खबर पूरी दुनिया के लिए हैरान कर देने वाली थी कि एक गुलाम देश का नागरिक भी ऐसा कर सकता है, लेकिन सबको असली झटका तो तब लगा जब नेताजी ने ICS की इस नौकरी को ये कहकर लात मार दी कि इन अंग्रेजों का नौकर बनने की बजाय मैं भारत का आम नागरिक बनकर रहना पसंद करूंगा। सबने बहुत समझाया, लेकिन नेताजी नहीं माने और देश वापस चले आए। और जब वो मुंबई पोर्ट पर पहुंचे तब वहां का नजारा बहुत ही अद्भुत था, क्योंकि देश के कोने कोने से लोग नेताजी के समर्पण भाव का सम्मान करने के लिए पहुंचे थे। फैक्ट नंबर दो। गाइस, क्रिकेट जगत की सबसे अनलकी या फिर यूं कहें कि चोकर्स टीम साउथ अफ्रीका ही है। ऐसा सिर्फ हम ही नहीं कह रहे, बल्कि टीम हर बड़े टूर्नामेंट के बाद इस बात को खुद ही साबित कर देती है। ऐसा ही कुछ हुआ इस बार के T20 वर्ल्ड कप में भी, जब टीम सेमीफाइनल से सिर्फ एक कदम दूर रह गई, और वो भी नीदरलैंड जैसी कमजोर टीम से हार कर। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। साल 1992 से क्रिकेट का ऐसा कोई भी बड़ा टूर्नामेंट नहीं था जिसका हिस्सा साउथ अफ्रीका ना हो, लेकिन अब तक खेले गए 9 वर्ल्ड कप में वो कभी भी चैंपियन नहीं बन सकी। और ताज्जुब की बात यह है कि टीम हर टूर्नामेंट से पहले वर्ल्ड कप की फेवरेट टीमों में होती है, लेकिन फिर साउथ अफ्रीका की टीम जैसे जैसे टूर्नामेंट में आगे बढ़ती है वैसे वैसे उसके ऊपर लगा चोकर्स का ठप्पा और भी गहरा होता जाता है, और नतीजन वो किसी भी बहाने टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है।